हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ कि अगर आपने HDFC बैंक में कहीं पे भी किसी भी ब्रांच में सैलरी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट आपने खोल के रखा है और आपको उस बैंक में आपके घर का टेलीफोन नंबर या फिर ऑफिस का टेलीफोन नंबर जो भी आपने अपडेट किया है और या फिर आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी जिस पे आपके नोटिफिकेशन ईमेल्स जो आते हैं अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको कहीं किसी ब्रांच में बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी कॉल करने की ज़रूरत है, ना तो किसी के ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, तो मैं आज उसी बारे में बता रहा हूँ। सो चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस कि किस तरीके से आपको करना है, कहाँ जाके करना है। सो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा अपने HDFC बैंक के ऐप में। ठीक है, अब ये HDFC बैंक का ऐप है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको जाना है। तो ये सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप तो ये मेरा लॉगिन हो रहा है दोस्तों। मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये मेरा पेज जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइंस है, तो हम इस पर टच करेंगे और नीचे थोड़ा सा स्लाइड करके आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है योर प्रोफाइल। योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा है पर्सनल प्रोफाइल, तो इस पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे सारे डेटा आपको जो है जैसे लाइक नेम, एड्रेस, कस्टमर आईडी, टेलीफोन नंबर जो है आपका, ऑफिस एड्रेस, घर का एड्रेस, सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब आ गए। अब यहाँ पे देखिए KYC अगर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वाई लिखा रहा है, इट्स मीन्स मेरा जो KYC है वो यस है, मतलब मेरा सारी KYC कंप्लीट है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट में मेरा ईमेल आईडी आ रहा है और यहाँ पे रेसिडेंस फ़ोन नंबर आए और ऑफिस फ़ोन नंबर। तो अगर मैंने अभी तक रेसिडेंस का कोई भी टेलीफोन नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं किया, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑफिस का टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, तो ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर चेंज करना है तो जस्ट हमें चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका STD कोड के साथ में जो आपका नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए यहाँ पे STD कोड आपका 91 आ गया, उसके बाद STD कोड आएगा, लैंडलाइन नंबर जो आपका वो आएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये अपडेट हो जाएगा। सेम इसी तरह आपका रेसिडेंट वाले पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे 91 जो आपका STD कोड हो गया, आगे का 022 जो आता है वो 91+91 मीन्स आपका 0 हो गया। ठीक है, आगे 22 डालना है, उसके बाद आगे लैंडलाइन नंबर, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है टेलीफोन नंबर ये अपडेट हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आपका ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना, मान लीजिए नोटिफिकेशन जो है जो ईमेल्स आते हैं बैंक की तरफ से आपको दूसरे किसी ईमेल पे लेना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे ओल्ड ईमेल आईडी आपको जो रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद आपका जो नया ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ओल्ड ईमेल आईडी मेरी जो ऊपर दिखा रही है, ठीक है, नीचे न्यू ईमेल आईडी में मुझे एंटर करना होगा, उसके बाद सेम ईमेल आईडी आपको मुझे नीचे री एंटर करना होगा। तो उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा उस ईमेल पे, वो वेरीफाई करते ही आपका जो ईमेल है यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो गाइज, इसी तरीके से आप अपने ईमेल आईडी को और जो आपके ऑफिस या फिर रेजिडेंशियल जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी को रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और बहुत आसान लगा होगा। तो गाइज, इसी तरह मैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ जो है बना के लाता रहता हूँ कि ताकि आप लोग को हेल्प मिले। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो गाइस, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।